So I'm going to go into sticky territory now. Sure. Chemistry on screen thi bilkul. I give you the place that you can ask me whatever you want. Yeah. I will go into uncomfortable territory, taking advantage of that relationship that I have with you, and ask you that लोगों ने उस केमिस्ट्री को लेके और उसको कंस्ट्रू ऐसे किया कि शायद इन दोनों के बीच में वाकई कोई रिलेशनशिप है, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हानिया की रिलेशनशिप भी आसिम के साथ, शी ब्रोक अप ड्यूरिंग द सेम ईयर, और आपके रूमर्स हैं, विल एड्रेस देम लेटर, बट देयर वाज सो मच रूमर मॉन्गरिंग ऑनलाइन, और लोगों ने जी प्रोग्राम्स कर दिए कि केमिस्ट्री और होम ब्रेकर, और हाउ डिड यू फील डीलिंग विद दैट? देखिए जी, आसिम और हानिया के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज यू नो दैट्स नॉट माय प्लेस टू से और स्पीक अबाउट. मी एंड हानिया, व्हाट आई रेड वाज रियली डिस्टर्बिंग. व्हाई डिस्टर्बिंग? बिकॉज ऑब्वियसली हमारे साथ भी माँ बाप की एक एनर्जी लगी हुई है, हमारे साथ हमारे भी इमोशंस होते हैं, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे एहसास हुआ ना, वो थोड़े दिन पहले इमरान खान ने एक फ़ोटो लगाई थी, मैं इस बात को इस तरह लेके चलना चाहता हूँ, एक फ़ोटो लगाई थी जब वो आई थिंक ही वॉज विजिटिंग अफगानिस्तान, राइट, एंड ही वॉज देयर एंड ही वॉज प्रेइंग ऑन अ प्रेइंग मैट, एंड द कैप्शन वॉज एज सच दैट through prayer I was able to fight the fear of being humiliated by people, being loss of life, right, fear of death. To ye jo mere sath jo 2020 mein sab hua, mujhe aisa lagta hai ki this was my journey that I had picked up for myself, or right. Maybe, sorry, I'm really sorry, not I had picked up for myself, that was decided for you. Yeah, that was decided, right, for me. Because you go through this path and then you see that nothing really can kill you. But what the most sad, the most upsetting bit was that it could take me 30 seconds to take a screenshot of a chat between me and Hania on that day. Bilkul. And just clear the air. Bilkul. Lekin main dekh raha hu itne senior journalists jo hain wo apne 2 rupaye ke liye फजूल बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास एविडेंस है कि क्या होता था सेट पे, तो पता नहीं क्या होता था या कैसे होता था. जहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ यार हानिया आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, उसने मुझे मैसेज किया, कहती है व्हाट द हेल ब्रो, व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो व्हाई एम आई बीइंग ड्रैग्ड इनटू एनीथिंग. आई एम लाइक आई एम रियली सॉरी, आई एम टॉकिंग टू माय लॉयर्स, माय पीपल. इट कुड टेक मी लिटरली व्हाट 20 minutes to send all these guys lawsuits. एक बंदा है अली हैदर जो कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आई डोंट नो वो मुझे सुन रहा है या नहीं, बट लेकिन वो सुनेगा, उस तक पहुंचेगी बात. वो समा का जर्नलिस्ट है और मुझे उससे पहले उसकी एग्जिस्टेंस का नहीं पता था. मैं सिर्फ इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वो बंदा है जो कहीं ना कहीं हमसे लेट से 10 मील दूर, लेकिन है 10 मील दूर. बाकी तो जितने भी पेजेस हैं वो अनऑफिशियल होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता. बिल्कुल. और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इधर उधर देख के मजे लेके चस्के लेके बात कर रहा है, दैट यू नो हमारे पास ये भी है वो भी है, और इनके पीछे ऐसे चलता था तो फिरोज ने ब्रेक ले लिया, उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था. उसको ये नहीं पता कि जो प्रोजेक्ट मेरा अभी आ रहा है, दैट्स द बिगेस्ट प्रोडक्शन दैट हैज बीन डन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन. वी टॉकिंग अबाउट खुदा और मोहब्बत, ठीक है. Such dramas are not made. So this is what my point was, ki all these things, they only happened in my favor. And God never failed to elevate me. I feel that it has only helped me become more stronger. And I think it has just got me more strength. Knowing you, and you've been known to be hot-headed and fiery, or maadhar sadak pe gaadi rok ke, you know, kisi ne गलत बात कर दी है वो. हाउ डिड यू मेंटेन योर काम थ्रू ऑल ऑफ दिस? हाउ आई मेंटेन माय काम थ्रू ऑल ऑफ दिस इज बाय द ओनली सोर्स ऑफ सुप्रीम, दैट दिस वाज माय प्रॉब्लम, दिस बीइंग हॉट हेडेड. आई डोंट थिंक दैट आई टेक प्राइड इन इट एनी मोर. आई थिंक पेशेंस इज वर्च्यू. यू नो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज दैट द वन who becomes aggressive and fights is not powerful, the one who endures, the one who takes it down
and shows patience is the one who's more powerful. So I think this has just made me more powerful. I did not have this such patience that not to respond to something that just I don't care about. Right. And I think, yeah. Aapne bada dignity ke saath, you maintained silence. Yeah. And the same goes for Hania. I think you both handled it very well. Yeah, yeah. And you're still very good friends. Yeah, alhamdulillah. And we hope to see you. We were just together, I think last night I met her. Yeah. And I was laughing at her. And every time that I see her, I'm like, I'm sorry, yaar, I'm really sorry. I don't know what's going on. There's that the other. And she laughs about it as well. But I think it's her her personality as well that never made me feel that, you know, anything bitter. And she was like, yaar, it's just, you know, this is how it happens. वो एक sacrificial goat है. Exactly. कोई बात होती है तो जी आपको गले पे छुरी रख दी कि अच्छा अब इसको कुर्बान करते हैं. Don't do that. हाँ. मेरे ख्याल में शायद इतना बड़ा बात का बतंगड़ ना बनता अगर उनका भी ब्रेकअप ना हुआ होता एंड देन देयर वर रूमर्स ऑफ योर सेपरेशन एज वेल. Are we going to go? Would you like to sort of say anything about that? I think I have never spoken about my family or my family matters. And I would like to keep my my calm and my silence on this matter. Anything that comes out should be through a proper source. Right. But I would request, main ye baat chahunga ki main apne fans ko aur main logon ko batana chahta hu ki थोड़े से पैसों के लिए अपना दीन माना बेचो यार. किसी के जानते नहीं हो, किसी के बारे में बात नहीं, पता ही नहीं है कौन है उसके बारे में. क्या एक YouTube चैनल बता के कुछ हजार व्यूज के लिए और उनसे कुछ हजार पैसे मिल जाएंगे, उनके लिए क्या किसी की जिंदगी को बेचना. तो आई थिंक इट मेक्स नो सेंस. जब कोई बात कहने वाली होगी तो वो आप खुद लोगों को, अगर वो बात है, यू हैव नेवर स्पोकन अबाउट योर फैमिली एंड जब होगी बात करने वाली तो आपसे ही आएगी, नॉट के लोग स्पेकुलेट करें. बट आई थिंक मुझसे ज्यादा कि कोई भी चीज अगर ऐसी होती है, मुझे लगता है कि अब मुझे ये बात समझ आई है कि देयर इज अ रीजन व्हाई देयर लॉयर्स, व्हाई देयर पीपल, यू नो. आई थिंक माय टीम इज देयर नाउ. आई हैव हायर्ड अ कपल ऑफ पीपल. माय टीम हैज बिकम माशाल्लाह थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है अब इस सारे सिनेरियो के बाद. तो अगर कुछ भी ऐसा होता तो आई थिंक देयर इज अ होल टीम. बट मैं ये बात बताना चाहता हूँ लोगों को कि लिटरली दो दिन लगते हैं साइबर क्राइम वाले आपको घर से उठा के ले जाएं, किसी के बारे में गलत बात करें और वो आपको हवालात के पीछे फेंक दें. बेशक वो कोई भी हो, वो कोई सहाफी हो, वो कोई बंदा हो, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और वो किसी के बारे में बात करता है, टेक्स टू मिनट्स कि आपको घर से ऐसे करके उठाएं और आपको हवालात के पीछे फेंक दें और आप कुछ नहीं कर सकते. सो बी वेरी केयरफुल. नो दैट पीपल देयर जस्ट क्वाइट, दे लाइक टू नॉट रिस्पॉन्ड बट देयर नॉट वीक. ये अच्छा मैसेज था. या ठीक है. कमिंग बैक टू योर कैरेक्टर्स एंड द रोल्स दैट यू हैव डन इन द लास्ट 2-3 इयर्स, एक सीक्वेंस बना है आपके हिट ड्रामास का, अल्हम्दुलिल्लाह. फॉर एग्जांपल जहाँ से, आई मीन मैं कहूँगी आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद लाइक गुलेराना फॉर एग्जाम्पल, फिर वो एक पल, फिर खानी, इवन इश्किया, रोमियो वेड्स हीर. नहीं वो अलग है. रोमियो वेड्स हीर और दिल क्या करे को मैं अलग रखनी हूँ. अच्छा, मुझे रोमियो वेड्स हीर को मैं इसलिए काउंट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोमियो वेड्स हीर वाज सच एन इम्पोर्टेंट, और मेरे पास जो उसका रिकॉर्ड भी जो सारा मेरे पास पड़ा हुआ, ऑब्वियसली आई माय टीम, माय फैंस आर माय टीम, यू नो. उन्होंने जो चार्ट्स बनाए हुए हैं, इट वाज नोवेयर बिलो 11 TRP. Yeah. 10 TRP, and that's not a joke. But that's not the character that you're known for. No, but you know what? The character that I had played before, that was acha. Romeo is here. I think gave me popularity within kids. Right. You know, these right. little kids, literally those kids that I could not even sometimes believe that they would be able to talk or communicate, and they would be like, "Tum Romeo, show me." And I'm like, "Yeah, man, that's who I am." So I think it really worked in my favor. अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे लिए Romeo, show me नहीं था. मेरे लिए था. ठीक है. Okay. हमारे लिए Meer Hadi था. Thank you. हमारे नहीं, ये पता नहीं thank you वाली बात है, मैं मुश्किल सवाल पूछने लगी हूँ. Okay. हम क्यों glorify कर रहे हैं negative, angsty, borderline, abusive characters को, जो कि इन चार पांच आपके जो ड्रामे थे वो एक पल में यू मर्डर समबडी बाय मिस्टेक लेकिन वो हॉट हेडेडनेस और वो नहीं, हॉट हेडेड नहीं था वो एक पल में, वो हॉट हेडेड नहीं था. खानी के अंदर आई थिंक दिस गाय वाज हॉट हेडेड,
बट द स्टोरी हैज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट आई बिलीव के मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है खानी देखने के बाद कि ऊपर हमें यकीन होता है कि ऊपर खुदा है. यू गेट इट. तो ये मेरे लिए तो मेरे लिए तो बहुत रिवॉर्डिंग बात हो गई ना कि अगर इस तरह की कोई किसी को फीलिंग आ जाती है और जो स्टोरी वो घूम के जाती है जिस तरफ पता चलता है कि एक मिस्टेक से व्हाट ही एंड्स अप फाइंडिंग इज गॉड.